अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। हम तो एंजॉय कर रहे हैं सर्दी को। ये देखे कंबल लपेट के बैठे हैं हम दोनों भाई। मुझे कुछ नहीं दिया हुआ। ये पता नहीं ये किस मिट्टी का बना हुआ है। मैं कह रहा हूँ सर्दी ज्यादा है, हालांकि बाहर धुंध पड़ी हुई है। तो ये कह रहे यार मोटे कोई सर्दी है ही नहीं है यार। ये पकड़। चलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, नमस्ते, बखैर अगले। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और आज हम एक और नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हुए हैं। और बाकी अपने दोनों भाइयों का हाल पूछ के और हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हाल ठीक नहीं है सर्दी बहुत है यार। ये ले भाई जान, क्या कहना चाहेंगे आप भाई जान? ना जी गला खराब है थोड़ा भाई जान, बस खैर खैरियत पता करके था। ए जी रूह अफ़ज़ा बना के भेजिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत होंगे। मेरा थोड़ा गला खराब है इसलिए स्लो बोल रहा हूँ, तो आप खुद ही पेश हो। सर जी मैं पेश ही पेश हाँ, पेश ही तो ही आए हो यार। अच्छा तो दोस्तों, तो आज की जो वीडियो है ये भी हमारे एक सब्सक्राइबर की डिमांड है, जिसके डिमांडर का नाम है किम जोंग अन सुप्रीम लीडर। तो यार कौन है मुझे समझ नहीं आई, पता नहीं कोई चाइनीज बंदा है या क्या है। तो जो भी है सॉरी गला खराब है मेरा भी। तो ये है 2020 जावा पीक BS6 डिटेल राइड रिव्यू। तो ये भी कोई बाइक ही लग रहा है यार, बाइक के रिव्यू काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं यार। क्या यार कोई और कोई फनी चीज़ भी डिमांड करो क्या, हमें बाइक 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 लगाई हुई है। तो चलते हैं देखते हैं क्या इस वीडियो में। सो हियर वी गो। भाजी रिंग पिस्टन उड़ जाएंगे, ये क्या उसके मीटर। हमेशा से BS6 कंप्लायंट ही रहा है बाइक, एंड जिसका अभी हम करते हैं इसका टेस्ट राइड एंड साथ में इसका करते हैं वॉक अराउंड भी। अगर आप लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हो या आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू द सब्सक्राइब बटन, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप या फेसबुक के ऊपर। एंड गाइस ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ पे मुझे पिंग कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, पूछ सकते हो अगर आपके मन में कोई दुविधा है। तो इसका अभी हम चलते हैं टुवर्ड्स वॉक अराउंड एंड उसके बाद हम करेंगे गाड़ी का टेस्ट राइड। अभी सिंगल बनेगी नहीं, पीछे सीट लग सकती है यार भैया, मशहूर मशहूर उठानी पड़ सकती है। इसका मीटर काफी डिफरेंट सी एक लुक प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा लाइट इधर फिट है। सो गाइस स्टार्टिंग विद द फ्रंट आपको यहां पे मिलते हैं 18 इंच के स्पोक व्हील्स एंड यहां पे आपको मिलता है 280 mm का जो डिस्क ब्रेक है। एंड यस गाइस इट इज फ्रॉम बाइबर, दैट इज बाय ब्रेम्बो। एंड सामने आपको मिलते हैं बहुत ही चंकी सा सस्पेंशन, आई थिंक इट इज अराउंड 43 mm के सस्पेंशन सही है। द टायर इज 100x90 सेक्शन ट्यूब टायर फ्रॉम सीएट, इट्स अ कंप्लीट मेटालिक बाइक ओवर हियर, मतलब प्रॉपर मेटल से बनी हुई बाइक। अभी हम बात करते हैं यहां पे चलते हैं हम लोग एंड यू गेट अ इंडिकेटर ओवर हियर। एंड यस गाइस इंडिकेटर्स आर बल्ब इंडिकेटर्स, दे आर नॉट एलईडी वन, टू मेक इट अ क्लासिक लुक। एंड ऑफ कोर्स यहां पे आपको मिलता है बजर। एंड व्हाट डू वी हैव हियर, यहां पे आपको मिलता है हैलोजन लाइट, यू गेट अ हाई बीम एंड लो बीम इन इट। एंड अभी हम चलते हैं इस तरफ, यहां पे आपको दिख जाता है रेडिएटर, इट इज अ लिक्विड कूल्ड इंजन। अब मैं It is an FI engine and आपको इसमें कैटकॉन भी मिल जाती है, so you can see the कैटकॉन as well. The ground clearance of this bike is 145 mm, around 145 mm is what the company says. The wheel base is around 1485 mm. साथ में गाड़ी का जो सीट हाइट है it is 750 mm. अभी हम बात करते हैं towards the rear, यहाँ पे चलते हैं हम लोग एंड ऑन द रियर यू गेट अ 17 इंच के स्पोक व्हील्स, द सेक्शन ऑफ द टायर इज 140/70। सो गाइस गाड़ी का जो टेल लाइट है, टेल लाइट इज एन एलईडी टेल लाइट, वो सीट के ऊपर माउंटेड है। एंड सीट के नीचे आपको यहाँ पे मिल जाता है मोनो सस्पेंशन। एंड इंडिकेटर्स गाइस दे आर नॉन एलईडी इंडिकेटर्स, दे आर बल्ब इंडिकेटर्स, आपको कोई रियर सीट यहाँ पे नहीं मिलता है। एंड दैट इज अ बॉबर, दैट इज हाउ द पैराक इज डिजाइन। एंड साथ में हम लोग बात करते हैं अबाउट द डिस्क, इट इज अ 240 mm डिस्क ऑन द रियर, इट इज अ डुअल चैनल ईबीएस, तो आपको पीछे भी ईबीएस ब्रेक का फैन हुई है। साइलेंसर सो ब्यूटीफुल मैन, आपको दो साइलेंसर मिल जाते हैं जस्ट लाइक दैट ऑफ एनी अदर जावा। यहाँ पे भी साइलेंसर आपको मिल जाता है, यहाँ पे भी आपको साइलेंसर एक मिल जाता है, ब्यूटी ऑफ इट। एंड अगर हम बात करते हैं अबाउट द इंजन, गाड़ी का जो इंजन है 334 cc लिक्विड कूल्ड इंजन, मेटेड टू अ 6-speed गियर बॉक्स, साथ में इसका जो पावर रेट इज 31 PS एंड टॉर्च जो है वो 30 Nm ऑफ टॉर्क है। एंड एक चीज आपको बताता हूँ, गाड़ी का जो वेट है इट इज अराउंड 179 kg, विच मीन्स इट इज अ प्रीटी डिसेंट पावर टू वेट रेशियो आ जाती है।
एंड अभी टैंक गाड़ी का जो टैंक है इट इज अ 14 लीटर टैंक ओवर हियर एंड माइलेज इज समवेयर अराउंड 35 किलोमीटर्स एंड हैंडल बार्स आर जो ब्यूटीफुल मैन अच्छे खासे यहाँ पे फ्रंट कंसोल के अंदर ऐसे घुस जाती है हैंडल बार्स एंड अभी हम बात करते हैं अबाउट द हैंडल बार्स यू गेट अ बार एंड मिरर्स ऑन दिस बाइक एंड मिरर्स अभी इसमें यूज है ये टेस्ट राइड यूनिट है तो शायद इसकी वजह से यूज होगा एंड यस यू गेट अ इंजन किल स्विच यू गेट योर इंजन स्टार्ट बटन ओवर हियर एंड यहाँ पे आपको मिलता है पास लाइट यहाँ पे आपको मिलता है हाई बीम लो बीम एंड यू गेट योर इंडिकेटर्स ओवर हियर एंड यहाँ पे आपको मिलता है हॉर्न एक बार सुनते हैं गाड़ी का हॉर्न कैसा है प्रिटी डिसेंट जो फ्रीक्वेंसी साइड पे आपको हॉर्न मिल जाती है एंड अभी हम देखते हैं गाड़ी का जो कंसोल है फ्रंट कंसोल वो कैसा है तो ऑन करते ही पूरा फुल स्वाइप मारती है कंसोल तो व्हाट डू यू गेट हियर ऑन द कंसोल यू गेट योर ईबीएस यू गेट योर न्यूट्रल यू गेट योर इंजन चेक लाइट यू गेट योर लेफ्ट एंड राइट पूरा गाड़ी वाला एक सिस्टम दिया हुआ है बैटरी चेक लाइट ओवर हियर तो सब कुछ मिल जाता है आपको यहाँ पे एंड व्हाट डू यू हैव हियर यहाँ पे आपको मिल जाता है फ्यूल गेज यहाँ पे आपको मिलता है स्पीडोमीटर यू गेट योर ओडोमीटर ओवर हियर सो दिस इज इट विद द फ्रंट कंसोल तो अभी गाइस सुनते हैं गाड़ी का एग्जॉस्ट नोट कैसा है का साउंड जो है वो रॉयल इनफील्ड की तरह नहीं है लेकिन एक काफी हैवी लुक प्रोवाइड कर रहा है काफी बासी लुक बेस वाली साउंड है इसकी फ्रेंड्स गाइस दिस वाज इट द वॉक अराउंड ऑफ द बाइक एंड मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को गाड़ी का जो वॉक अराउंड था आपको अच्छा लगा है अगर आपको अच्छा लगा तो पता है क्या करना होता है सब्सक्राइब टू माय चैनल लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप या फेसबुक के ऊपर गाड़ी का जो प्राइसिंग है गाइस दैट इज अराउंड 1.95 लाख रुपीस एक्स शोरूम हियर इन पुणे अभी हम चलते हैं टुवर्ड्स द टेस्ट राइड ऑफ दिस ब्यूटीफुल बाइक सो बॉय बॉय हियर इट इज द जावा पराग फाइनली मेरे हाथ में लग चुकी है BS6 वेरिएंट है एंड ऑफ कोर्स लॉन्च हुई थी तो BS6 के नाम से ही लॉन्च हुई थी बाइक ये एंड आज मैं जाके मेरे हाथ में मिली है बाइक एंड दिस इज द ओनली इंडियन डायरेक्टली मेड फैक्ट्री बम्पर मतलब फैक्ट्री से ही बम्पर बनके बाहर निकलता है पीछे का सीट नहीं है आपको ये बंदा काफी फनी है जो ऐसी ट्रांजैक्शंस दे रहा है ना कर राइट रिव्यू तो ओके शुरू किया मैंने हां द साइलेंस इज सो टू मैन एग्जॉस्ट नॉट जक्स गारंटी वाओ दिस इज ऑसम द पावर पिकअप इज सुपर्ब ऑन द बाइक वाओ हां दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग इसका ऐसे काम करता है स्पीडोमीटर फर्स्ट ट्रेन रीजन ओके 40 किलोमीटर से ऊपर नहीं जा रही है ओके दिस इज व्हाट आई नो बिकॉज़ शोरूम वालों ने इसको 40 किलोमीटर का इसके ऊपर लिमिट सेट करके रख दिया है इट्स फन टू राइड एंड ऑफ कोर्स चेक करते फ्रंट ब्रेक कैसा है वो लवली फ्रंट ब्रेक्स मैन फ्रंट ब्रेक्स आर रियली सुपर ऑन द बाइक ऑफ कोर्स ये हेड टर्नर है बहुत सारे लोग देख रहे थे मुझे पीछे ट्रैफिक में एंड आई वाज क्वाइट एक्साइटेड एज वेल तो इन सीटिंग पोजीशन के बारे में आपको बता दूं गाइस बहुत ही ज़्यादा अपराइट बैठा हूँ लेकिन एक चीज़ आपको डिफरेंस करती है जावा 42 जावा क्लासिक और इसमें दैट इज जो सीटिंग पोजीशन है हैंडल जो हैंडल बार से उसमें कंपेरेटिवली नीचे है इसमें बहुत ज़रा ऊपर है लेकिन इसका जो सीट हाइट है वो थोड़ा कम है इसका 750 mm पे इसका सीट हाइट है जो नीचे दिया गया है लेकिन उसके में उसमें वही थोड़ा ऊपर है एंड साथ में एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि लेकिन सीट हाइट नीचे होने के बावजूद भी मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लग रही है बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल बैठा हूँ ऐसा लग रहा है कि डाउन टू अर्थ फीलिंग है लेकिन ग्रिप अच्छी लगे बाइक की बनाई हुई है प्रॉपर सेंटर सेट है फुटपैक्स एंड प्रॉपर थाइज जो है टैंक के ऊपर चिपके हुए हैं सो दैट इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग एंड सस्पेंशन एक बार सोचते हैं ओके तो सस्पेंशन से प्रीटी डिसेंट मतलब हार्ड नहीं है ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है इट्स एक्चुअली इन बिटवीन प्रॉपर ये बिटवीन में किया गया है ऑफकोर्स ये प्रॉपर है तो इसको कोई भी मतलब ऑफ रोड के लिए डिज़ाइन नहीं करता है इसको डिज़ाइन करते हैं हाईवेज के लिए सिटीज के लिए स्टाइल मारने के लिए तो एक बार हम करते हैं गाड़ी का टर्निंग रेडियस टेस्ट गाड़ी को घुमा के देखते हैं कैसा लगता है ये बाइक ओके एक चीज़ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जब घुमा रहा हूँ बाइक को तब जो मेरी जो हैंडल बार से गाइस हैंडल बार इनके जो मिरर्स है वो मेरे पैर पे यहाँ पे लग रहे हैं सो बिकॉज ऑफ विच इसका टर्निंग रेडियस थोड़ा कम पड़ जाता है लेकिन वैसे इसका बहुत ज़रा है एंड यू कैन फिक्स द मिरर्स ओवर हियर एज वेल तो बार एंड आपको अगर पसंद नहीं है तो आप यहाँ पे ऊपर भी हैंडल बार्स के ऊपर आप मिरर लगा सकते हो तो अभी हम चेक करते हैं रियर ब्रेक कैसा है बाइक का भाई 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 ओके एबीएस बहुत ज़्यादा इंक्लूड कर रही है रियर ब्रेक में एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं तो गाड़ी को स्पीड कम करके ब्रेक करने की प्लान कर रही है लेकिन मुझे वो फील नहीं आया जो रियर ब्रेक में आना चाहिए लेकिन फ्रंट ब्रेक्स का फील बहुत ज़बरदस्त है बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी है जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ऑन द वाइब्रेशन फ्रंट डू वी हैव एनी वाइब्रेशंस ऑन द बाइक वेल आई कुड फाइंड सम वाइब्रेशंस ऑन द राइट फुट पेडल ओवर हियर तो थोड़ा लेकिन हाथ पे या टैंक पे देयर इज नो वाइब्रेशन एज सच लेकिन फुट पे मुझे साइड वाइब्रेशंस मिल रहे हैं मुझे एंड मोस्ट ऑफ दी सारे सिंगल सिलेंडर इंजन जो होते हैं उसमें मुझे फुट पेक्स पे बहुत बार मिल जाता है वाइब्रेशंस इतने दिनों से जो बाइक रिव्यू कर रहा हूँ उसका एक्सपीरियंस बता रहा हूँ विच मीन्स इट इज फाइन एंड साउंड इज सुपर्ब लवली साउंड एंड देयर इज अ लॉट ऑफ फन इन इट
एक चीज मैं देख रहा हूँ कि रेव रेंज, रेव रेंज तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन जो फीलिंग मैं कर रहा हूँ उसके हिसाब से रेव रेंज के हिसाब से काफी एक मतलब पावरफुल बाइक है, सिर्फ पावर डिलीवरी भाई, स्पीड ब्रेकर के ऊपर ब्रेक नहीं मारी इसने। एंड कैन यू सैडल ऑन दिस बाइक? ऑफ कोर्स यू कैन एक्चुअली सैडल ऑन दिस बाइक बिकॉज़ हैंडल बार जो अच्छा खासा ऊपर लिफ्ट करके दिया हुआ है, तो सैडल करना बहुत ही ज्यादा आसान होगा जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। एंड लेकिन सैडल करते हैं टैंक को पैर हाथ कसके पकड़ नहीं सकते हो, उसको मोटरसाइकिल इतना मजा दे रहे, वो कह रहे मैं भगाऊं भगाऊं भगाऊं, लेकिन उसके पास रोड ऐसा नहीं है। और उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, थोड़ा बहुत लो फ्रीक्वेंसी हॉर्न मैं बोल सकता हूँ इस बाइक का। एंड फॉर द प्रैक्टिकलिटी ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल मोटरसाइकिल, अगर आपके पीछे कोई बैठ रहा है चाहे आपकी बीवी, आपकी गर्लफ्रेंड या आपके घर वाले, आपके माँ बाप को बैठे पीछे, आपके बच्चे बैठे पीछे, तो मुश्किल है। आपको अगर किसी को बिठाना है तो आपको टैंक में बिठाना पड़ेगा, जैसे जो अक्षय कुमार एक्शन में उल्टा डायरेक्शन में, तो वैसे बिठाना पड़ेगा आपको। हर कोई इसको देखता है एंड काफी पसंदीदा बाइक है बहुत लोगों के बीच में, ये बहुत ज्यादा चर्चा है। एंड ये बात करते हुए गाइस, व्हाट आई वांट टू से इज दैट इफ यू आर इन द मार्केट फॉर अ बाइक अपना छोटा सा एक राइड रिव्यू एंड दिस वाज माय फीलिंग एंड एक्सपीरियंस विद द बाइक। सो गाइस दैट वाज इट फॉर द वॉक अराउंड एंड दिस साइड ऑफ दिस ब्यूटीफुल बाइक। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को गाड़ी का जो वॉक अराउंड था, टेस्ट राइड था, आपको अच्छा लगा है। एंड साथ में गाइस गाड़ी का जो टॉप स्पीड है दैट इज समवेयर अराउंड 150 किलोमीटर पर आवर इज द क्लेम स्पीड। मैं टॉप स्पीड तो नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ द स्पीड गवर्नर इंस्टॉल्ड ऑन द बाइक, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा ये। एंड यस गाइस, दिस इज अ बॉबर, इट इज अ पैराक, जावा पैराक। एंड बॉबर स्टाइल बाइक्स वो होती है जिसमें प्रैक्टिकलिटी बहुत कम होती है, बट इट इज मोर फॉर योर स्टाइल, फॉर इंडिविजुअल राइड्स, एंड इट इज़ फॉर योर फन। एंड यस गाइस, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जो है अच्छा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एज यूजुअल आई लाइक दिस वीडियो विद जय हिंद वंदे मातरम। तो दोस्तों, तो वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और काफ़ी ज़्यादा यार फनी भी थी वीडियो को ही थी कि वो मतलब कि जो राइडर था वो कहता था बस इसको स्पीड लिमिटर टा दो, तो मैं इसको छवा गेट डाल के ऐसे फुल इसको एक्सीलेटर दिया। तो काफ़ी अच्छा लगा भाई, काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो आप क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले बालाजी? जी सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, बाइक मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। नहीं लगा मुझे अच्छा लगा, क्योंकि वो जिस जम्प जिस से बता रहा था उसे पता चल रहा था कि बाइक के जो वो एक ही जो शाख जो उसके सीट के नीचे आ रहा वही लगा हुआ है और वो इतना अच्छा नहीं है। उसके बाद दूसरा ये कि उसके पीछे कोई दूसरी सीट ही नहीं थी, या किसी बंदा दोस्त को या बिठा लेता पीछे वो यही सिंगल। हाँ तो बाकी बाइक की बात की जाए तो एक अच्छा बाइक था अपने स्टाइल के मुताबिक, लेकिन उसकी जो ठंड तो है लेकिन जो उसका मीटर था ना वो हाँ मीटर बाकी काफ़ी एक यूनिक है। वैसे हमारे हमने बाइक्स के ऐसे मीटर देखे हैं, पहला मीटर है जो इस तरह का इस तरह भी था और पूरा ऐसे पूरी लाइट के साथ। हाँ वो मैं पता है वो हेड यूनिट में ही उसका हेड यूनिट में ही वो फिट था मीटर। और दूसरी बात ये कि सिलेंसर क्या उन्होंने क्या सा लगाया हुआ था, इतना कोई खास पसंद नहीं है, बहुत हैवी बेस मार रहा था, मतलब कि जिस अगर किसी हमने बाजार वगैरह में से गुजारनी है तो वहाँ हमने गाड़ी ही निकाल ली है। तो बाकी मैंने खूबियां खामियां बता दी हैं, बाकी आप उस्मान भाई बताएंगे। मैं नहीं, पहले भाई शहरी। पाईशारी तो बस सारा कुछ ठीक है जी, शरीर तो गला ख़राब है तो बस, और पाईशारी और चीज़ लगी या नहीं लगी, लेकिन जम बड़े फिट लगे समझे ना, और पूरी वीडियो मज़ा दे के जम दे गए। बाकी हम तुम दसो। अच्छा नहीं कोई एक अद्धा तो बाइक के बारे में पता, कोई एक मीटर ही अपना स्पीडोमीटर का भी अच्छा था। ओके वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल यार, इन्हें पढ़े लिखे होंगे तो इतने बैठे होंगे क्या? वर्टिकल था या हॉरिजॉन्टल था भाई? वर्टिकल कर लो हॉरिजॉन्टल कर लो, बस स्पीडोमीटर है ना, ठीक है। अच्छा तो भाई जो है ये इस बाइक के बारे में पहले दो फॉल्ट बता दूँ जो मुझे नज़र आए। पहला,
इसके जो साइड मिरर्स थे वो देखा था, वो बाहर एंड में लगे हुए थे, उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम आएगी आपको कटिंग वगैरह जब आप कर रहे होते हो बाइक्स पे, जिस तरह के हम रैश ड्राइविंग करते हैं, जिस तरह के हम मानते हैं अपनी गलती, ठीक है, तो वो तो सीधी बात है पहले दिन ही रूठ जाना है हमसे, ठीक है, जिस तरह की हम यार अच्छे फिट लग रहे नहीं फिट फिट लग रहे थे, लेकिन उनकी रिलायबल मतलब कि देखना भी तो है ना कि कितने रिलायबल है, कितना अच्छा वो बाइक पे चलेंगे, वो तो भाई मैं आप जिस तरह मैं चलाता हूँ या ये चलाते हैं पहले दिन ही हमने तोड़ के लेके आने वो वैसे भी ऊपर वाली साइड में लगे होते हैं वो तो पहले दिन ही उतारते वो तो नहीं वो अपनी अपनी चॉइस होती है, वो बेसिकली अजीब सी लुक आ रही होती है, लेकिन हाँ ऊपर वाली साइड पे का एक काफी अच्छी लुक वो देते क्योंकि उनकी वजह से देखे आप जब एज ए मोटरसाइकिल आपने मोड़ा था तो ये जो है ना टांग आपकी साइड मिरर के साथ लग रही होती तो आपका मतलब सारा साइड मिरर खराब हुआ होता। दूसरी बात ये अच्छी लगी है इसमें, अब अच्छी बात हैंडल उसके अंदर काफी एक अच्छे तरीके से फिक्स हुआ था, स्पीडोमीटर काफी यूनिक चीज था, और उसके अंदर बंदे को मतलब के जितने भी है ना जो गाड़ियों में जैसे फीचर दिए होते हैं कि पहले ब्लैक होती है फिर वो न्यूट्रल वो बताएगी, वो इंचेक लाइट बताएगी, हेडलाइट ऑन है वो बताएगी, वो सारे उसके फीचर काफी अच्छे तरीके से उसमें उसके स्पीडोमीटर में इंडिकेट हुए। मैं तो हरी झटकी दे रहा तू नहीं, और मैं झटके से मैं बता देता हूँ भाई, अगर इसके ऊपर मशहूर बिठानी है ना तो जिस तरह अक्षय कुमार साहब ने बिठाई थी, अरे अरे मशहूर तो बाल नहीं फिर कार लिया ना कहते कार नहीं मारना। अच्छा तो दोस्तों तो वीडियो काफी ज्यादा अच्छी थी और काफी ज्यादा पसंद आई है, सिर्फ इतना कहेंगे बाइक फैमिली यूज के लिए नहीं है, फैमिली यूज वाला बाइक नहीं, बाकी इसकी टेल काफी अच्छी जगह पे थी, टेल लाइट बैक लाइट वो भी काफी अच्छी जगह पे थी। तो मेरे दोस्तों तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद है तो वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन आ रहा होगा, काइंडली उसको टच कर लें, ठीक है, शुक्र है बच्चा हाजिर है, और अगर किसी बाइक की अच्छी सी खूबसूरत सी डिमांड है तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपकी जो भी डिमांड होगी वो हम लाजमी पूरी करेंगे, और अगर किसी भाई ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो काइंडली सब्सक्राइब करो यार, किधर रह गए, हमें आपकी सब्सक्राइब की बहुत जरूरत है, इस भाई को ना ऐसे उठा के फेंको सब्सक्राइब के बटन पे, बल्कि सब्सक्राइब का बटन है भी इसके नीचे ही है, इसी के नीचे है सब्सक्राइब का बटन, ठोक के रखो सब्सक्राइब इसको, ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।